उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अब जाने वाली है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाई काम बिगाड़ने वालों, अब किसी नियम कायदों को मानोगे या बस लोगों को भ्रमित करते ही रहोगे और उनको ब्राइब करते रहोगे? मतलब अब इस स्तर पे उतर आए हो पुष्कर सिंह धामी, जाते जाते सीख नहीं पा रहे कि आपको करना क्या चाहिए। अब आपने जाकर क्या क्या बांटना शुरू कर दिया, सिंदूर, बिंदी, भाई क्या हो रहा है? और बिंदी का जो कलेक्शन है उसके कागज पर अपनी तस्वीर और मोदी जी की तस्वीर, एक बिंदी भी लगा लेते स्वयं हैं, वही कुमकुम की बिंदी जो उसके अंदर बिंदी है वो लगा कर फोटो भी खिंचवा लेते। कुछ तो शर्म करो पुष्कर सिंह धामी, कुछ तो शर्म करो। और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आचार संहिता के इस उल्लंघन के लिए क्या चुनाव आयोग करेगी कार्रवाई? अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि जो होर्डिंग्स पे बिना परमिशन और बिना होर्डिंग नंबर के लगा दिया भाजपा ने, उस पर कार्रवाई हुई नहीं है, उसका भी है इंतजार। तो चुनाव आयोग से मांग है मेरी कि ये जो प्रेशर कुकर, बिंदी, सिंदूर, कंबल, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह बांटने की खबरें आ रही है, इस पर कार्रवाई कब करेंगे आप? इंतजार रहेगा और जनता आपको वॉच कर रही है। वी आर वॉचिंग यू। आई होप दैट यू विल टेक कॉग्निसेंस एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। करी नजरे में लाज नहीं खे पुष्कर सिंह धमिया के कि करी बिंदी बांट बांट के मऊगा सजिन के बांटा था मेहरानू के बिंदी, ओकर लाज शरम नहीं खे। नजर से इतना गिर गए बा भड़ुआ कि कोनो हिसाब नहीं खे। एक नजरे में तनिको शर्म नहीं खे रह गए कि लोग के गरीबता ही नहीं खे देखा तो बिंदी बांट बांट के लोग से वोट मांगता, बिंदी से वोट खरीदता। ये मुतपेना के शर्म नहीं खे। एक कोनो वोट मत दिया, एक बिंदी पर थूक दिया, हग दिया, मुत दिया, बही जाई। एक बिंदिया मत दिया केहू जाने। दू दू चार चार रुपया के बिंदी खरती पूरा महिलाओं के खरीदाता, सबके मेहरी बनावल चाहता। एक एक जूता से निकाल के मारत नहीं खे, ना केहू के तोड़ जवाब देता। इतना बेकार इंसान हो गए बा कि कोनो हिसाब नहीं खे। लेकिन आदमी फिर भी एक मुर्गा दारू पर बहता, मुर्गा दारू मुत के मुँह पर बहवा दे।